चीज़ मैं हमेशा मान के चलता हूँ, लाइफ में जब भी कोई घूमने का मौका मिले उसको दोनों हाथ से कबूल कर लेना चाहिए। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, 3 महीने पहले भी आई डिडंट नो कि अगले 3 महीनों में आई विल बी कवरिंग 3 major trips, that too at mountains. Yeah, literally whatever life is offering to me, I am grabbing with both hands. So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely good. Terminal 2. If a connecting flight is from another terminal, please follow the signage and for further assistance, approach your ground team. वैसे तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चले गया होगा दैट दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग टू मनाली द विंटर वंडरलैंड ऑफ हिमाचल एंड एज यूजुअल आई एम नॉट ट्रैवलिंग अलोन. अर्णव इज हियर विथ मी. आफ्टर भूटान ट्रिप 2022 ये हम लोगों का एक साथ चौथा ट्रिप होने वाला है. यहाँ से हम लोग जाएंगे दिल्ली कश्मीरी गेट, जहाँ से मनाली के लिए हम लोगों का बस छोड़ने वाला है और ये ओवरनाइट राइड होने वाला है तो 14-15 घंटे तो लग ही जाएगा. बट बिफोर दैट हैव सम लंच. दिस इज द कश्मीरी गेट एरिया जहाँ से ये बस छोड़ेगा. HRTC का गवर्नमेंट बस है. दिल्ली मनाली जिस्पा होके अटल टनल होके ये लोग ये जाएगा टुवर्ड्स चंडीगढ़. आप लोग अगर ऑनलाइन से बस नहीं बुक करते हो तो इधर काउंटर पे आके भी आप लोग को टिकट मिल जाएगा. बस ऑलमोस्ट खाली ही रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है. कितना टाइम लग सकता है कोई आइडिया? मिनिमम 15 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशन. 14-15 आवर्स, अच्छा कंडीशन रहेगा तब भी 14-15 आवर्स लगेगा. सो अभी हम लोग मनाली बस स्टैंड पे पहुँचे. इट वॉज अराउंड 14.5 घंटे का जर्नी था फ्रॉम दिल्ली. सबसे पहले उतरते पीछे जो पहाड़ का नज़ारा दिख रहा है, इट्स लाइक फैबुलस. तो यहाँ से हम लोग को जाना है ओल्ड मनाली. अभी यहाँ से टैक्सी लेना पड़ेगा. सामान वामान अभी अनलोड कर रहे हैं पीछे से. टेम्परेचर मैंने देखा नहीं, टेम्परेचर विल बी लाइक अराउंड 3-4 degrees मैक्सिमम. ठंड इतना नहीं लग रहा है, टाउन जैकेट चला के रखे हैं हम लोग. चारों तरफ देख लो टूरिस्ट से भरा हुआ है पूरा. तो ये प्रॉपर मनाली बस स्टैंड है. सारे वॉल्वो बसेस जो होता है यहीं पर आके रुकता है फ्रॉम दिल्ली. तो हम लोगों को जाना है टुवर्ड्स ओल्ड मनाली. वो थोड़ा ऊपर में आता है तो कैब वगैरह हम लोगों को तो करना है. बट ये से जो व्यू मिल रहा है आज, वैसे तो स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है. टुडे इज लाइक 18th of February 2024 एंड फुल स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है. देखते हैं किस्मत हम लोगों का साथ है कि नहीं. हम लोग का जो होटल है मैटपकर्स मनाली, वो गाड़ी हम लोगों को वहाँ पर छोड़ा. उधर से वॉक करते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं और रास्ते पर जाते हुए देखा कि यहाँ के बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके पीछे ये बढ़िया सा बैकग्राउंड व्यू. इधर स्नो जमा हुआ है, बोला कि 3-4 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था उसके वजह से यहाँ पर जमा हुआ है. और ये वाला रास्ते से अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर होटल. ये सामान लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जमा हुआ बर्फ़ है ना, थोड़ा बहुत स्लिपरी होता है. ये मैटपैकर्स मनाली का एक खासियत है कि यहाँ पे रूम बुक करने का फ़ायदा यही है कि बैल्कनी से ना पीछे का पूरा व्यू आपको दिखेगा और ऊपर बर्फबारी अभी चालू है. ऊपर जो पहाड़ों में दिख रहा है ना बर्फबारी चालू है. टुडे इज 18th of Feb और आज आफ्टरनून टाइम पे बर्फबारी का प्रेडिक्शन है. अगर दिख जाए सो विल बी क्वाइट लकी. राइट नाउ वी आर हियर एट ओल्ड मनाली और चारों तरफ हम लोग थोड़ा बहुत वॉक करके देख रहे हैं. इधर देख लो कितना बर्फबारी हुआ है, जमा हुआ बर्फ है, 2-3 दिन पुराना लग रहा है, फ्रेश स्नो नहीं है. सही बोला ना, उससे ही पुराना है लास्ट. हाँ, और मुश्किल ये है कि अभी मौसम थोड़ा ख़राब है, हल्का पुल्का बारिश चालू है और मैं छाता लेके घूम रहा हूँ. थोड़ा मुश्किल है बट या वो इधर खुल जाएगा तो उसके बाद ही चारों तरफ स्नो ही स्नो होगा बिकॉज स्नोफॉल का तो आज पूरा प्रेडिक्शन है. ऑन आवर वे टू रॉकी कैफे मनाली. हम लोग अभी एक मंदिर के सामने रुके हैं, जगह का नाम है मनु टेम्पल, मनु मंदिर. तो दिस इज द मनु टेम्पल प्रिमाइसेस
एंड यहाँ से पूरे जगह का व्यू भी बहुत तगड़ा आ रहा है। कौन से देवता का है? मनु ऋषि। अच्छा, मनु ऋषि का टेंपल। तो मनु मंदिर से थोड़ा आगे चलते हुए ये व्यू पॉइंट पे हम लोग रुके हैं। पीछे पूरा टाउन का व्यू आप लोगों को दिख रहा है। ओल्ड मनाली शहर है ये, आगे है न्यू मनाली। बर्फ गिरा हुआ है उधर। चलते हैं रॉकी कैफे के तरफ। सो गाइस, ऑल सेट रेडी? सो दीज आर द बिहाइंड द सीन पर्सन। सो यह वी आर हियर एट रॉकीज कैफे, ओल्ड मनाली। काफी सुंदर जगह है। पीछे का व्यू भी देख लो, पहाड़ एकदम दिख रहा है पूरा, विद स्नो कैप्ड ऑल दोस माउंटेन पिक्स। सो द पॉइंट इज व्हाई वी रिकमेंड टू कम टू दिस प्लेस एट ओल्ड मनाली। इट्स लाइक यहाँ पे जितना भी कैफेज वगैरह है ओल्ड मनाली पे, ये जगह से पूरा जगह का 360 डिग्री टाउन व्यू मिलेगा आपको। अगर आप ओल्ड मनाली आ रहे हो तो ये कैफे, रॉकीज कैफे ओल्ड मनाली पे जरूर आओ। और भी बहुत सारा कैफे है, ऐसा नहीं है, बट ये कैफे मिस मत करो। इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड प्लेस। आपको अगर अभी कैमरा में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट ऊपर वो पिक्स में अभी बर्फबारी चालू है और इधर भी थोड़ा बारिश चालू है। यहाँ पे बैठ के ये जगह का जो मज़ा है, व्यू है, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। और अगर आपको थोड़ा बहुत ठंड भी लग रहा है तो साइड में यहाँ पे हाथ सेक सकते हो, इधर बैठ के आप हाथ भी सेक सकते हो। काफी चिल वाइब्स है। So right now it's 9:30 in the morning and this is the next day here at Manali, but unfortunately abhi barish chal raha hai. Yahan ka weather to kuch bol nahi sakte, dikha raha hai prediction full snowfall ka, upar snowfall hua bhi hai, upar peaks mein aap dekh sakte ho pura safed hai. Waise weather to kafi cool hai, it's showing around -3 degree. Snowfall hua hai but ye jagah pe snowfall nahi hai, idhar nahi hai, thoda upar hua hai, wo dekh sakte ho pura piche safed hoke rakha hai. ऊपर अभी स्नोफॉल चल रहा है बट इधर बारिश हो रहा है, तो बारिश वी डोंट वांट। रेनफॉल होगा तो बाहर निकल नहीं पाएगा, साथ में छाता है बट स्टिल यू नो, घूमने के लिए थोड़ा बहुत तो सनशाइन चाहिए। एंड मैं अभी सुबह सुबह नहा भी लिया, ठीक है, पूरा बाल भीगा हुआ है अभी, नहाने की वजह से इतना ठंड नहीं लग रहा है। इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, या आई डिड इट। अभी का प्लान है, हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स सेथंग वैली। यहाँ से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है और लाइक पहुँचने में 1.5-2 घंटा लग ही जाएगा। हम लोगों को होटल से गाड़ी लेके आए और जिप्सी में बोर्डिंग हो रहा है। ऊपर बारिश नहीं हो रहा है, जितना भी बारिश हो रहा है ये मनाली में हो रहा है। तो या लेट्स सी हाउ इट गोस। हाय, से हाय। अच्छा लग रहा है। तो सेथंग वैली पहुंचने से पहले अभी हम लोग भाड़े पे यहाँ से पूरा सामान वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो डाउन जैकेट और जो वाटरप्रूफ शू है, दैट विल बी नॉट एनफ टू प्रोटेक्ट अस। ये पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा सेट मिलेगा, उसके साथ ये जूता भी मिलेगा। एंड वी आर ऑल सेट रेडी। अभी 4 लेयर बन गया ऊपर, ठंड तो नहीं लगना है या। अच्छा, ये पूरा सेट जो है ये 250 रुपीज रेंट पे आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 4 लोग हैं। हाँ, रेडी। So we are in the middle of heavy snowfall at Sethang Valley, और ये गाड़ी फंस गया है। आ जाओ भाई। मैं नहीं आ रहा भाई। ब्रेक नहीं लानी होती। ब्रेक नहीं लानी होती तब तो तू रहा वहाँ कैसा। भाई लाइफ में और क्या चाहिए? जिस चीज के लिए हम लोग मनाली आए थे वो तो दिख गया इधर सेथंग में। पूरा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अच्छा, इधर स्नोफॉल चालू है। इधर जरा देर रुकना ठीक नहीं है, गाड़ी स्लिप हो रहा है, बट हम लोग जिप्सी में हैं तो कोई इशू नहीं होने वाला है। चलो भाई चलो यहाँ से। Looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. Goddamn feeling good. Yeah, but I was turning off. I go pretty afternoon. It's a 4:30. Looking at the
आपके पास अगर डाउन जैकेट है तो उसमें काम बनेगा नहीं, यू नीड टू हायर सच काइंड ऑफ ड्रेसेस। एंड स्नो जो है ना ऑलमोस्ट 2-2 फीट तक है, और इधर ये जिप्सी चलता है, बाकी जितना भी गाड़ी है मैंने देखा आगे फंस गया। अच्छा बहुत लोगों को पता नहीं है जो लोग ट्रेक लवर्स है, तो हमटा पास का जो ट्रेक है वो ये सेथन वैली होके हमटा पास ट्रेकिंग स्टार्ट होता है। तो यू कैन से दिस सेथंग विलेज और वैली इज लाइक अ स्टार्टिंग गेटवे पॉइंट ऑफ हमटा पास। वैसे अर्नब तो एक साल पहले हमटा पास गया था, तो वो ही मेरे को बोल रहा था कि वो यही रास्ते से होके हमटा पास गए थे। दरवाजा लगा दे कैसा लग रहा है? मनाली से तो एक्सपीरियंस अच्छा है, मनाली में तो बहुत बारिश हो रहा है, इधर स्नोफॉल आप लोगों को मिलेगा। वैसे हम दोनों का डिसीजन था पहले शिशु जाने का, बट शिशु अभी बंद है, तो 15 जनवरी से 28 तक हर साल बंद रहता है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया सेथन वैली आने का, एंड इट पेड ऑफ राइट। मैंने स्नोफॉल पहले भी देखा है बट ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मनाली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, गीली हो रखी थी, अच्छा नहीं लग रहा था, बट यहाँ पे आके अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा। एक चीज़ है, मनाली में बारिश चल रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर ही बारिश चल रहा है, इसका ऑल्टीट्यूड जो है 2700 मीटर है, थोड़ा ऊपर है, उसी के लिए इधर इतना बारिश नहीं होता है, बट स्नोफॉल तो दिख रहा है आप लोगों को। अरे ये क्या कर रही है? Pulling all my walls down. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness. Thinking it's too late. If you're fainted, I've been too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name, calling out your name. तो सेथन से थोड़ा आगे करण भैया हम लोगों को लेके आए हैं एट पांडुरोपा। पांडुरोपा इधर क्या है दिखने का? ये देखो व्यू। अच्छा पूरा आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, वहां से दिखे। तो अभी हम लोग है पांडुरोपा। भैया एक मिनट रुको, दिस इज द फ्रोजन लेक। वहीं पर रुको, वहीं पर लेक के ऊपर आप चल भी सकते हो, बट रिक्स लेना है कि नहीं वही मैं सोच रहा हूँ। जाना है क्या पानी के ऊपर? फ्रोजन नहीं है? नहीं है तो रिक्स मत ले। एक बार आप चलो तो नीचे थोड़ा सा, फ्रोजन है उस साइड में, पानी फ्रोजन नहीं है तो रिक्स मत लो। शायद 2 दिन से वो हुआ है ना। हम आ गए हैं पांडुरोपा में, यहाँ पर पांडवों ने खेती की हुई थी, धान लगाया हुआ था, अज्ञातवास के टाइम में उन्होंने यहाँ पर खेती की हुई है। अच्छा हाँ जी, जब उनको पूरा पैर घुस रहा था ना, और मैं जानबूझ के सनग्लास पहन के रखा हूँ, बिकॉज क्या हो रहा है ना बहुत तेज ये छीटा लग रहा है बर्फ का, और ऊपर जितना भी पाइन फार सीडर फॉरेस्ट दिख रहे हैं पूरा व्हाइट होकर रखा है। एंड इधर और भी बहुत सारा स्पोर्टिंग एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो। अभी स्नो कुछ ज्यादा ही तेज हो गया, इतना स्नोफॉल का तो एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट जो भी है जैसा भी है वी आर रियली एंजॉइंग। एक चीज तो है, अगर आप हिमाचल पे आ रहे हो फेब्रुआरी जनवरी या मार्च में, सो आइदर यू एक्सपेक्ट गुड व्यू और स्नोफॉल, दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेगा। अगर स्नोफॉल हो रहा है तो व्यू अच्छा नहीं मिलेगा, बट वी प्रेफर स्नोफॉल ओवर गुड व्यू। वैसे ड्राइवर भाई साहब तो वहाँ आने के लिए हम लोग को बोल रहा है, बट थोड़ा बहुत रिस्की है। नहीं नहीं नहीं, मोजा गीला हो जाएगा। मेरा तो नहीं होगा, पानी गीला हो रहा है उसका भी, इसका भी गया, अंदर गया, इसका भी अंदर गया, जा रहा है। हाँ तो वो लोग बोल रहे हैं उधर जाने के लिए, बट हम लोग मना कर रहे हैं क्योंकि मेरे को इतना सेफ नहीं लग रहा है। वो लोग जाके फोटो वगैरह ले रहे हैं, उन लोगों से ले लेंगे हम लोग। तो करण भैया बोल रहे हैं कि आगे जा सकते हैं। किसी ने किसी को दिखाई नहीं है। हाँ। हम ही पहले बंदे हैं जो आए हैं। आपके गीले हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, आपके गीले हो जाएंगे। भैया आपको बोल रहा था मैं, वो वाले जूते लगा लो। जाना है कि नहीं आगे? उसको डर लग रही है। चलो फिर इतना 10-15 मिनट है ना। फिर आजकल दोनों दिन भारी मात्रा पे स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है। Since you got me out in the open,
dive in. Right now we are here at Sethang Valley or Sethang Village, you can say. This is the same point जहाँ पे सारे activities वगैरह होते हैं. पीछे देखो zip lining चालू है, उधर snowboarding चालू है, इधर लोग दो तीन दिन रुक के skating भी करते हैं. But हम लोगों को वो सब नहीं करना है, हम लोग को जस्ट snow का view का मज़ा लेना है. एक चीज़ तो है, अगर आपको snowfall इतना पसंद नहीं है, बहुत ठंड लगता है, तो brace yourself क्योंकि बहुत तगड़ा वाला snowfall यहाँ पे होने वाला है. And that is the zip lining spot. तार दिख रहा है ना वो वाला वहाँ से. और ना मेरे तरफ अभी बर्फ का गोला फेंक रहे. कैच, रुक जा रुक जा, कैच. स्नो फाइट बर्फ के साथ, बर्फ बॉल के साथ कैच. इसमें नहीं हुआ. ये देख अभी इधर जितना भी भीड़ आप लोगों को दिख रहा है, सारे जिप लाइनिंग करने के लिए लोग आए हैं. इधर आपका पैकेज भी मिलता है, 1500, 2000 हर एक का पैकेज अलग अलग है. बट अभी चारों तरफ इतना डेंस स्नो है कि व्यू कुछ सही नहीं आएगा. उसी के लिए हम लोग जिप लाइन अभी नहीं करने वाले हैं. वैसे प्रीवियस तो एक्सपीरियंस है. इधर ही लोग मज़े से फोटो ले रहे हैं, कोई ऊपर चढ़ के वहाँ पे खेल भी रहा है. अच्छा, दैट इज़ द पॉइंट फॉर स्नो बोर्डिंग. वो एक टायर के ऊपर चार पाँच लोग बैठ के उधर से स्लाइड मारने वाले हैं. अगर आप मनाली से सेथांग आ रहे हो तो याद रखना हमेशा जिप्सी गाड़ी में आना, क्योंकि जो नॉर्मल गाड़ी होता है ना वो गाड़ी इतना सही नहीं होता है ये रास्ते के लिए. तो जिप्सी में आओ, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सही रहता है, बर्फ में फंसने का चांसेस नहीं है. और हम लोग का जो भाड़ा लिया जिप्सी ने इज लाइक 4,000 टोटल अप एंड डाउन, तो 1000 करके पर हेड का आया है. ठीक है, यहाँ आने के लिए 4000 ठीक ही है. और क्या, और भी ज़्यादा भी होता है तो चलता है. ओल्ड मनाली से बस 10-12 किलोमीटर के अंदर ही आता है, तो उसी के लिए ज़्यादा भाड़ा होना नहीं चाहिए. एंड दिस इज द जिप्सी कार जिसमें हम लोग आए हैं. करण भाई हाय बोल दो इधर. एक सेकंड भैया, हम लोग जा रहे हैं अंदर. हेलो गाइस, हिटलर हिटलर हाय. भाई से हम लोग मिले एट मनाली. भाई का नाम है हिटलर, बहुत ही यूनिक नाम है. अब तो यहाँ पर रहने वाले हो ना? हाँ, मैं यहीं पे हूँ. सही आएगा, दो तीन दिन का स्टे लिया मैंने. जिप्सी की व्हील कवर कितनी अच्छी लग रही है जरा ब्लॉगिंग में बता दो. स्नो व्हील कवर बोलते हैं इनको. व्हील कवर है नहीं, ये देखिएगा पूरा अंदर चला गया स्नो. यस, लेकिन बहुत सही लग रही है. तो जिप्सी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सही रहता है ना ये ऐसे टेरन पे. हाँ, मुझे पता नहीं अंदर क्या क्या घुस गया है. तो बर्फ के ऊपर जब चल रहे हो ना, ये जो ट्रैक पहले से बना हुआ है वो ही ट्रैक को फॉलो करो, नहीं तो अंदर गड्ढे वगैरह होगा तो दिक्कत में आ सकते हो. हेलो, उधर से हम लोग आए अभी. उधर भी कुछ दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी बहुत ही पुअर है. ऐसे करके ठंडा बस ये पे पूरा दिन रहूं और कुछ नहीं चाहिए. अरे भाई बहुत बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडे बहुत ठंडे. I know you told you it would be a slow burn. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. टाइम जितना बढ़ रहा है बर्फ और तेज हो रहा है, ठंड बहुत है, इतना फील नहीं आ रहा है. मैं ग्लव्स के बिना ही नीचे आ गया, इतना फील भी नहीं आ रहा है. जन्नत है भाई जन्नत. सेथान वैली इज अ मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर एट ओल्ड मनाली. मेरे को एक मैसेज देना है थ्रू दिस ब्लॉग कि लोग ओल्ड मनाली का इतना क्रेज चला के रखे है कि यहाँ पे आओ बड़े बड़ी होगा, सब लोग मनाली आ जाते हैं. बट मनाली से जस्ट 12 किलोमीटर दूर ये सेथान विलेज, सेथान वैली बहुत कम लोग आते हैं. जो लोग हमटा पास के लिए जा रहे हैं वो लोगों को तो पता है ये जगह. इट्स लाइक ए स्लाइट हैमलेट, टाइनी टाइनी टाइप ऑफ हैमलेट 12 किलोमीटर फ्रॉम मनाली. इधर ज़रूर आना अगर मनाली पर बर्फबारी नहीं हो रहा है तो. इधर 110% बर्फबारी चालू है, बाहर तेज़ बर्फबारी चल रहा है. और यहाँ पे अभी हम लोग लंच करने वाले हैं. ब्रो इज़ हैविंग नॉर्मल राइस, राइस और दाल. We are having rice, दाल. इधर सभी लोग मिलकर भी हाथ सेक रहे, पैर भी. कैसा है करण भाई खाना? अच्छा भाई. तो इधर ऑलमोस्ट हम लास्ट 2 घंटे से रुके हैं, ज्यादा देर रुकने वाले नहीं है, 1 घंटे में निकलने वाले हैं. बहुत तेज हवा भी चल रहा है, ठंड भी लग रहा है.
सिंपली हेवन, इनक्रेडिबल इंडिया, हैट्स ऑफ टू दिस प्लेस। अभी टेंट का नीचे का सीन कुछ ऐसा है, सब लोग यहाँ पे आके हाथ सेक रहे हैं, अभी सब कुछ ठीक लग रहा है फाइनली। If I zoom on this phone, then only I can see that 2-3 people are over there on the top. Otherwise, it's very hard to look at people. चारों तरफ पूरा ढक गया है बर्फ से. And one more thing, like if you can see right now, this zip lining is closed because of this heavy snowfall. सब लोग नीचे टेंट की तरफ आ गए हैं और खाना वगैरह लंच का ऑर्डर किया है अभी. बट बनने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज एक ही दुकान मेरे को दिख रहा है यहाँ पे. इट्स टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस सेथन. लास्ट बार के लिए सेथन को बोलते हैं बाय बाय. चलते हैं अभी ओल्ड मनाली की तरफ. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. So yeah, finally we are here at Macpackers Manali. बहुत ही रोलर कोस्टर वाला आज का सफर था. अतुल तो नहीं गया, वो इधर ही काम कर रहा है और काम करते हुए सामने स्नोफॉल हुआ है मनाली में, वो एंजॉय कर रहा था. कैसा था स्नोफॉल? बढ़िया, हवादार था, काफी अच्छा स्नोफॉल था, बहुत बढ़िया था ना. चलो कोई नहीं, जैसा भी हो आजकल ये ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं. पता नहीं क्यों लोग सेथन में इतना कम जाते हैं, मनाली में भीड़ करते हैं, बट यू शुड गो देयर. सो या लेट्स रैप अप टुडेस व्लॉग. मिलते हैं सीधा धर्मशाला में पहुंच के, कल हम लोग बढ़ेंगे धर्मशाला की तरफ. सो एज यूजुअल इफ यू न्यू टू द चैनल, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल द बॉम्ब वेफेयर टू स्टे नोटिफाइड अबाउट अपकमिंग वीडियोस. बिसाइड्स यू कैन डीएम मी योर क्वेरीज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज IAMRA92. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून. बोल दो बाय बाय. चलो.